सरकार नहीं चाह रहे थे कि नील की खेती हम करें। गांधी जी लाठी लेकर के वहाँ चंपारण बिहार में पहुंचे थे, तब पूरे देश के किसान इकट्ठे होकर के चंपारण विरोध किया था, तब उन्हें वापस लेना पड़ा था इंग्लिश सरकार को भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में गुजरात में आंदोलन किया था, यही वहां पर मसला था, देश के भिन्न भिन्न भागों में यही हुआ था। इसलिए साथियों, आप कमजोर नहीं है, आप मजबूत हैं और औद्योगिक गलियारा में भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान सड़क पर उतर पड़ा, जुलूस के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचा और जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। एसडीएम को ज्ञापन और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और उपजाऊ भूमि देने से इनकार कर दिया है। खबर फिरोजाबाद के जिला थाना नसीरपुर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किनारे गलियारा बनाने के लिए जो भूमि अधिग्रहण विरोध में धनपुरा, करणपुर, सुजाव पुल और बताया जा रहा है नगला राम बक्स सहित काफी सैकड़ों की संख्या में किसान आज सिकोहाबाद ट्रैक्टरों में भरकर आए थे और नारेबाजी कर रहे थे। हम संजय यादव है। क्यों आए हैं, क्या है? यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि हमारे यहाँ पर एक सूची जारी की गई है जो किसानों के अधिग्रहण के लिए सूची जारी की गई है, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सूची को ये लोग जारी कर रहे हैं। एक अधिकारी बोल रहा है कि ये सूची सही नहीं है, लेकिन दूसरा अधिकारी गाँव में जाके बोलता है कि ये अधिकारी मतलब ये सूची सही है। तो एक अधिकारी मतलब हमारी भूमि अधिग्रहण करने के लिए पूरी कार्रवाई कर रहा है और एक अधिकारी हमें गांव में जाकर गुमराह कर रहा है। क्या लगता है हम किसानों की अगर जमीन इस तरीके से चली गई, हमारी जो रोजी रोटी है, हमारा भरण पोषण है, अगर उस चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारी फसल जहाँ 3 से 4 बार हम जिस खेती में फसल पैदा करते हैं, उस उपजाऊ जमीन को अगर सरकार खरीद रही है तो कौन सा औद्योगिक गलियारा बना रही है? हमें ये सरकार जवाब दे केवल। अगर विकास कर रही है, अगर हमें वो जो गलियारा दे रही है हमें, तो हमारी अनुपजाऊ जमीन है उसको केवल बनाए, वहाँ पर उपजाऊ करे, वहाँ पर वो जो गलियारा बनाए जहाँ 3 से 4 फसलें हम पैदा कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि बम्बा खोद रहे हैं, एक तरफ कहती है कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं और एक तरफ हमारी जमीन को खरीद रही है, फिर फ्री क्या हो रहा है इसमें? सरकार क्या कर रही है? केवल किसान विरोधी सरकार हो रही है ये सरकार, केवल किसानों के साथ छल कर रही है और छल के अलावा कुछ नहीं है। किसानों को गुमराह करके किसानों की जमीन हड़पना चाह रही है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं किसान हूँ, भूमिहीन हो रहा हूँ और बेघर भी हो रहा हूँ, मैं हरगिज अपनी जमीन नहीं दूंगा चाहे सरकार कुछ भी कर ले। नाम सुमन है। सुमन जी, क्यों आए हैं आप, क्या है? हम यहाँ इसलिए आए हैं जो हमारी उपजाऊ भूमि ली जा रही है, ये सरकार हमारी उपजाऊ भूमि जो ले रही है, हम किसान भाई यही तो हमारा आमदनी का एक स्रोत है। अगर वो भी सरकार हमसे छीन लेगी तो हम अपना भरण पोषण अपने परिवार का कैसे कर पाएंगे? हमारा कहना ये है कि हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो हम किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं देंगे। जो फैक्ट्री बना रही है तो वो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? ये तो हमसे रोजी रोटी छीन रही है, इसका मतलब हमारी तो आमदनी वही है, हम उससे फसल कमा रहे, फसल उगाते हैं, हम तो सरकार को उल्टा खिलाते हैं, सरकार हमसे वही चीज छीन रही है। हमारा मानना ये है कि हमारी जो उपजाऊ भूमि है हम वो किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अगर सरकार को ये फैक्ट्रियां बनानी है तो जो बेहड़ी इलाका है उसमें जाके बनाए ना, ये उपजाऊ भूमि में हम लोगों का जो आमदनी का स्रोत है उसी में उपजाऊ भूमि में क्यों बना रही है? जगह तो और जगह भी ले सकती है ना, बेहड़ी इलाके में जाके बनाए। हम इस भूमि का, हमारे सब किसान भाइयों का, बहनों का, जितनी भी बहनें आई हैं, माँ बहन आई हैं, सबका कहना यही है कि हम अपनी उपजाऊ भूमि नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या मांग है? मैं कैलाश लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान यूनियन हूँ और आज हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि ये धनपुरा गांव के साथ कई गांव लगते हैं। सरकार ने कोशिश की है कि इन क्षेत्र की जमीन को अधिग्रहण किया जाए, सूची जारी की है, लेकिन हमारी मांग है कि आप अगर कोई गलियारा बनाना भी है आपको, तो गलियारा उस जगह बनाइए जहां बंजर भूमि है, अनुपजाऊ भूमि है और इस देश में वैसे भी भूमि नहीं रही है। किसान करेगा क्या, क्या खाएगा? तो हमारी एक सूत्री मांग है, सरकार ने सूची जारी की है, सरकार अपनी जूरी को सूची को वापस करे और किसानों के हित में काम करने का कोशिश करे। और अगर सरकार या प्रशासन ऐसी बात नहीं करता है
तो हमारे पास शक्ति क्या है, धरना प्रदर्शन आंदोलन हम करेंगे, क्योंकि किसान के पास अगर भूमि नहीं रहेगी तो किसान बिल्कुल बेकार हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा, शोषित वंचित पीड़ित असहाय हो जाएगा। उसकी रखवाली करने का एक सूची कार्यक्रम है, उसकी उपजाऊ भूमि खत्म नहीं होना चाहिए। आप क्यों आई हैं, यहाँ क्या है? ये हमारी उपजाऊ भूमि ले रहे हैं, सरकार यहाँ पर तो गलियारा खोलना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी भूमि नहीं लेंगे, हम बेघर हो जाएंगे। अगर ये भूमि सरकार लेती है तो बेघर हो जाएंगे। इसी को लेके आप यहाँ आए हैं? जी, हम जब तक आंदोलन करेंगे, जब तक ये वापस नहीं सरकार लेती तब तक आंदोलन करते रहेंगे। एक एक किसान तो इसमें। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट।